ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी दे विच बैठे वीर बजुर्ग भैणा बुलाओ फतेह आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इधर आके बैठ जाओ, इस तों बाद बाई लखा भी बोलूगा। आ जाओ भीरे इत्थे बह जाओ, इधर आ जाओ, इत्थे आके बह जाओ भाई। दो महीने तकरीबन होने वाले मोर्चा लगे नूं, पिछले दिनों दे विच जो लखे बाई ने प्रोग्राम पिंडा दा लिखिया वो पिंडा दे विच असी मैं भी काफ़ी पिंडा दे विच जाण दा मौका मिलिया, पर बाई ने जिस तरह दिन रात मेहनत करके कुछ लोगों जगाने की कोशिश की, बेशक 100% दे विचों 5% ही उस पिंडा दे विच लोग जागे ने गे, पर फिर भी बहुत वड्डा बाई ने जिहड़ा उपराला किया। पर जो मैं पिंडा दे विच बाई नाल गया, जो मैं चीज़ां नौजवानों को सुन के आया जां बजुर्गों तो सुन के आया वो मैं थोड़े नाल गल्लां सांझियां करनियां ने। दो धिरां ने गियां इस मोर्चे नूं खराब करन ते लगियां होईयां। एक तां धिर कहिंदी है कि जिहड़े इह सिंघ ने बंदी सिंघ ने इह अतवादी ने गे। मैं कहना वो धिर नाल कोई गुस्सा नहीं हैगा, जिहड़े अतवादी कहिंदे ने वो शरेआम कहिंदे ने वी इह सिंघ अतवादी ने गे। पर दूजी धिर कहिड़ी है, देखो जिहड़ी पिंडां दे विच गल है ये प्रचार भी बहुत घट है, पूरे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है, बजुर्गों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि सिंघां दीआं कुरबानियां की ने गियां। जे पूरा प्रचार होगा जिवें लखे भाई ने प्रचार पिंडां दे विच कीता, पूरी डिटेल दे विच उन्होंने दस्या ते वह लोग कुछ लोग समझण नूं भी गल नूं तैयार होए ते इस मोर्चे दे विच आउण नूं भी तैयार होए। दूजी धिर जिहड़ी इह है, एक तां धिर कहिंदे आ वी अतवादी ने गे, ते दूजी धिर इह है कि जिहड़ी अपनी धिर ने बंदी सिंघां नूं कौमी योधे भी दस दिया, कौमी हीरे भी दस दी है, पर उसका पूरा जोर लग्या हुआ इस धरने खराब करने, इस धरने चकवाउण ते उस धिर का पूरा जोर लग्या होया। पिछले दिनों दे विच की होया, मानसा का एक पिंड सी, मैं पिंड भुल गया, उत्थों असी बोल के निकले, निकलने बाद एक जिहड़ा बयान आउंदा जिहदे ते मैं फेसबुक ते लाइव भी होया सीगा, एक वो जिहड़ी सुनू सब नूं पता बेशक पर मैं नां नहीं लऊंगा, आ एक फोटो आई सीगी एक साडे जथेदार वल्लों जिहड़ा ये बयान दवाया, ये दवाउण वाली धिर कौन है? बादल परिवार का इस धरने खेरू खेरू करन ते पूरा जोर लग्या होया। मैं घबराउंदा नहीं, मैं किसी गल तो जिहड़ी गल सच्ची है वो तुहाडे सामने दसदा। बादल परिवार का इस धरने चुकाउण ते खेरू खेरू करन ते पूरा जोर लग्या होया। एक पास तां बादल परिवार कहिंदा कि देखो जी ये बंदी सिंघां दे लई असीं अंदोलन किया, असीं अंदोलन करदे आ, असीं साइन करा रही है कमेटी, पर पूरा जोर भंडी प्रचार करन ते लग्या होया। यही गल जिहड़ी कि मैं बापू जी ने भी असी गल कही सी ट्राली दे विच कि जिस तरह लखा बाई पिंडां दे विच गया, एक पांच आगुआं दी एक कमेटी बना के पिंडां दे विच प्रचार होना चाहिए। ये चीज़ असी देखी जदों किसानी अंदोलन शुरू होया सीगा, जदों किसानी अंदोलन शुरू होया सी उहदी एक लहर बनाई। मैं अग्राह जथेबंदी दे विच पहला सीगा काम करदा, क्योंकि मेरे दादा जी ने 60 साल किसानी की सेवा की है पूरी। अंदोलन तो पहला भी मैं किसानी का पूरा उहदा प्रचार करता रहा जिन्हें जोगरा हैगा सीगा। असी पिंडां दे विच इक लहर बनाई, घर घर जाके टैंपूआं दे उपर बोलिया भी जिहड़े किसानी वेला ने उहनां नूं समझाउण दी कोशिश की। वह लहर एड्डी वड्डी बन गई कि असी मोदी नूं हुकूमत नूं सरकार नूं झुका के वापस मुड़े आए। पर हुण जिहड़ी सानूं उस तरह की लहर पिंडां दे विच खड़ी करनी पैणी है, सानूं पिंडां दे विच जाके लोगों नूं इन्हां सिंघां बारे दसना पैणा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों नूं बंदी सिंघां बारे पता ही नहीं भी कुरबानी की है, क्योंकि धिरां का बहुत सारा जोर लग्या होया अतवादी कहण का। कांग्रेस का देखो, कांग्रेस का पूरा जोर लग्या, वह तो शरेआम कहती है कि साडे बंदी सिंह जिहड़े वो अतवादी नेगे। उन्होंने पता भी अतवादी ये बने कि ने, बनाए कि ने गे, क्यों बने ने गे, वो सानू सब नू पता कि बनाने वाली वह धिर है। उन्हां दीआं जिहड़ीआं हुकूमत सी जिहड़ी उस समय की, इन्हां नाल टक्कर लई सिंघां ने, वह सानू कांग्रेस बारे पता ही है, आम आदमी पार्टी बारे ही पता ही है, क्योंकि दिल्ली जो निकली हुई पार्टी है वह भी साडे कोई इंसाफ की गल नहीं कर सकती, साडी कौम की कोई गल नहीं कर सकती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विच दो धड़े जिहड़े बने हुए नेगे। वड्डा धड़ा जिहड़ा वह केजरीवाल ते राघव चड्डे दा है, भगवंत मान वह धड़े चो निकल की कोशिश करता है, उहदे एमएलए निकल की कोशिश करते हैं पर नहीं निकल सकते। एक भगवंत मान का धड़ा, एक केजरीवाल ते राघव चड्डे दा धड़ा, वह भी कोई साडे कौम की कोई इंसाफ की गल कर नहीं सकती। सानू चंगी तरह पता कि कल जिहड़ा भगवंत मान केजरीवाल ते चड्डे वास्ते कहण ते जिहड़ा मीटिंग करन गया कि पंजाब दे विच फोर्स लाउण की लोड़ है, ये गल पंजाब सरकार नूं भगवंत मान नूं भी कह देना चाहुंदा है। ये 84 वेले वे जदों साडा कातलेआम होया, घाण होया साडा एडा वड्डा, उदों भी यही फोर्सां ने उहदी तुसीं ला के पंजाब दे विच फोर्सां कड्डा की है, क्योंकि जे तुसीं पंजाब दे विच फोर्सां लाओगे
लिया के जिन्हें टुकड़ियां पंजाब दे विच लाओगे तुसी ये गल भुल जाओ कि असीं इन्हां नूं दबा लांगे पंजाब है कश्मीर नहीं हैगा। सिद्धू मूसेवाले ने गल कही सी मेरे मित्र ने कि तुसीं धक्के नाल दब लोगे कश्मीर दे वर्गा नहीं, ये पंजाब है। जे तुसीं इत्थे लैके फोर्स खड़ी करोगे तो पंजाब दे नौजवानों का खून उस फौज नूं देख के होर खौलूगा, ये नौजवान होर घरां दे विचों बाहर निकल के आउणगे। ये गल सरकार नूं समझ लैनी चाहीदी, जिहड़ी सरकार धरना चुकाउण ते पूरा जोर लग्गिया होया। ये सरकार जिहड़ी फोर्स लिया के पंजाब दे विच ला क्यों रही है, सिद्धा दा कोई आम आदमी पार्टी वाले गल बोल नहीं रहे क्योंकि मौजूदा सरकार है। वो जिहड़ियां गुझियां चालां जिहड़ियां केजरीवाल ते राघव चड्ढा चल रहे हैं, असीं फोर्स लिया के दवा लाँगे इन्हों, असीं टुकड़ियां लिया के इन्हों दवा लाँगे, ये दबण वाला काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये धरना चुकाउण दा जिहड़ा मुख मुद्दा जिहड़ी पंजाब दे विच फोर्स लिया के लाई जा रही है। तुसीं ये देख लो जदों ये फोर्स पिंडां दे विच शहरां दे विच लग गई, आने वाले दिनों में लगनी है, ये जिहड़ा उत्थों पूरा मता पास हो गया, लोगों के बच्चे रोह पैदा होना कि कर की रहे ने गे, पर लोग इतने जिहड़ियां भीरां कत्त के धरने के पहुँचणगे। इस करके बेनतियां सानू इन्नियां करना आ, बाकी लखा भाई बड़ी सानू डिटेल दे विच समझाऊगा दसूगा कि असी इतों जिन्ने भी जाने इतनी इतने पहुँचे हुए हैं, असी सारे मोर्चे को समर्पित हैं, जिथे भी तिकर आवाज आती है जिन्हें भी जाने सोशल मीडिया से सुनगे। पर साडा एक फर्ज बनता है कि जेड़े पिंडां दे विच बजुर्ग ने गे, जिवें कि मैं देखिया अगराह जथेबंदी दे विच काम करके बहुत सारे बंदयां ने ये अगराह जथेबंदी दे एक क्वेश्चन भी उठाते हैं कि अगराह जथेबंदी कौम सिख कौम की बहुत घट गल करती है, बहुत घट गल करती है, कोई शक नहीं है। पर जेड़े बजुर्ग उन्होंने धरने के बड़ा कट हो जाता, वो बजुर्ग है कौन ने गे गल सू समझनी पैनी है। ना तो वह बजुर्गों कोई फोन है, ना कोई वह बजुर्ग अखबार पढ़ते, ना कोई टीवी देखते हैं, वह बजुर्गों को एक ही माध्यम है जिहड़ा लीडर आ मैक तो गल बोलती, जिवें कि उन्होंने परसों प्रैस कॉन्फ्रेंस सी परसों चौथे उत्थे की गल कर रहे थे, उहदे विच इह गल कह रहे थे अगराह जथेबंदी दे आगू भी जी देखो जी इन्हां ने तां बहुत सारा जिहड़ा सरकारां दे हुकूमत दे खिलाफ इन्होंने बहुत सारा कुछ जिहड़ा कीता, जिहड़ा भंडी प्रचार उह गल बोल रहे थे, मैं नहीं बोलना चाहुंदा, वह तो उही जी गल्लां बोल रहे हैं, उही गल्लां स्टेजां ते बोलदे ने, बजुर्ग जाके पिंडां दे विचों निकल के आ स्टेजां दे विच जाके बैठदे ने, जिहड़ी गल उहनां लीडर ने बोलती उह गल सुन ली। पर अपना कारण यह है कि अपने जिहड़े उत्थे बुलारे पिंडां दे विच पूर्ण तौर ते नहीं पहुँच रहे, जो बुलारे पिंडां दे विच पहुँचणगे बंदी सिंघां दी कुरबानी बारे दसणगे तां लोक भीरां कत्त के आउणगे, जिस तरह का यह लखे बाई ने उपराला किया पिंडां दे विच। बहुत बड़ा जिहड़ा साडा मानसा जिला है, बेशक माझे दुआबे दे विच सिक्खी का प्रचार बहुत है, साडे मानसा ते साडे इन्हां बरनाला जिलों दे विच सिक्खी का प्रचार बहुत घट है, खास करके जिहड़ा पंथ का कौम का प्रचार बहुत घट है। ये लखे बाई ने जिहड़ी पहल कदम की मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा, इस करके मैं बापू जी ने भी गल दसी, बापू जी भी कहिंदे असीं इस तरह का उपराला करांगे। एक दूजी तुहानूं मैं होर गल दसदा, आ जिवें इत्थे आ बापू बैठा, मैं तो देखिया दे पैरां दे विच ना थले कालस फिरी हुई बेईयां पाटियां पईयां, आ बापू बैठा इत्थे। जदों इहो जिहे बजुर्ग साडे मानसा दे बरनाला जिला दे विच बठिंडे जिले दे विच ने, जे बजुर्गां नूं तुसीं धरने दे विच लियांगा इत्थे लिया के बिठा लिया प्रचार करके, ना तां हलण वाले नेगे। मैं ये उत्थे साडे किसानी अंदोलन दे विच देखी गल, जदों इह बजुर्ग उत्थे मैं कहिंदा जिन्ना टाइम मोर्चा समाप्त नहीं होया उन्ना टाइम वो बजुर्ग मुड़ के नहीं उत्थों आए। जे इहो जिहे बजुर्ग तुसीं मानसा बठिंडा वर्गे जिलों चों कढ के लिया के बिठा ले तां इह मोर्चा फतेह है। वो बजुर्गों बेचारे को पता ही नहीं है, क्योंकि नौजवान इतने आते हैं आके गेड़ा दे के चल जाते हैं, नौजवान तो इतने 3v2 मैं देखा, इतने उत्थे की करते हैं गड्डिया के गीत लाई फिरते हैं, इतने गेड़ा दे के चंडीगढ़ शॉपिंग करके मुड़ गए, उन्होंने कोई पता ही नहीं है, नौजवान नहीं ये काम मोर्चा जित सकते, जितने बजुर्ग ही, मैंने ये बहुत चंगी तरह का पता इस गल का, बजुर्गों बेचारों ये गल का पता ही नहीं है कि बंदी सिंह है कौन ने गे। जदों पूरा प्रचार करांगे कि इन्होंने साडी डिग्गी हुई कौम की पग सिरते धरी है, अज जे साडे पंजाब दे विच पग्गां ने सिरते तां इन्हां दे करके ने। मैं भाई जगतार सिंह जी हवारा जी का मैं बहुत वड्डा फैन है, मैं जिवें कि मैं ना किसी कलाकार नूं मन्ना, मैनूं पता कि मैं उन्होंने रात बापू जी नाल गल्लां करी जांदा सी, मैं कहा दसो जेल दे विच किस तरह रहिंदे नेगे, किस तरह वो जिहड़े इक नाल जिहड़े मुलाकाती ने उन्हां नूं पुछ रहा सीगा, मैं उन्हां दा बहुत गल्लां सुण के उन्हां दा मैं बहुत वड्डा समर्थक हां। इक ये गल्लां जे लोकां नूं पता होणगियां तां लोक इत्थे पहुंचणगे। इस करके जिन्हें भी जाने तुसीं इत्थे पहुंचे हो सोशल मीडिया ते ही मैनूं बहुत सारे नौजवान सुणगे सुनते भी ने, मैं उन्होंने बेनती करदा कि यह प्रचार करना पैना, सानू पूरा प्रचार करना पैना साडे कौमी योध्यां बारे, तां ही इत्थे वड्डा कट बच सकदा। उन्हां बजुर्गों नूं दसना पैना कि चलो बापू जदों इत्थे आके बह गए उह हलणगे नहीं जिन्ना टाइम मोर्चा फतेह नहीं होगा। जदों बजुर्गों नूं पता लग्गा, बजुर्गों ने कोई सारे की गल नहीं हैगी, जिहड़े कहिंदे ने किसान जथेबंदियां दे विच बजुर्ग बहुत वगदे ने, वड्डा कट है, बहुत सारे मैं तो स्टेजों को गल सकी सुनी कि उन्होंने गात्री पाए हुए नेगे, वो पंथिक मोर्चों क्यों नहीं पहुँचते, उन्होंने कोई सारे की गल नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं है बेचारों, जिन्ना क उन्हों का प्रचार लीडर साढ़े किसान जथेबंदी ने कर देंगे उन्ना क पता उन्होंने।
जो पंथक प्रचार कौम का प्रचार हो गया तो वह इतने पहुँचे। इन्ने एक थोड़े ना गल्ला सांझियां करने सीगियां। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।